हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं 3 to 4 इयर्स बेबी के लिए टॉप और प्लाजो बनाने वाली हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है और ये मैंने टॉप पार्ट के लिए फैब्रिक को अलग कर लिया है। ये 2 लेयर में है और इसकी लेंथ मैंने ली है 8 इंच और विड्थ ली है 16 इंच। अब इस फैब्रिक को हम फोल्ड फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे फोल्ड फोल्ड कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे शोल्डर के लिए निशान लगाऊंगी, तो वो मैं ले रही हूँ 4 इंच और आर्म होल ले रही हूँ 4.5 इंच। अब इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। और ऊपर की तरफ से हम 2 इंच मार्क करेंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। अब आर्म होल का शेप दे देंगे। अब हम अपने चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो ये चेस्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ 7.5 इंच और वेस्ट ले रही हूँ 7 इंच। अब इन दोनों पॉइंट को हम लेकर स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। उसके बाद जैसे हमने मार्किंग की थी उस पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है और ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये फैब्रिक लिया है, ये 2 लेयर में है और इसकी विड्थ मैंने रखी है 3 इंच और लेंथ ली है 7 इंच। अब इन दोनों फैब्रिक को अलग अलग कर लेंगे और इसे फोल्ड करते हुए इसे स्टिच कर लेंगे दोनों फैब्रिक को। और उसके बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब हम अपने टॉप पार्ट को लेंगे। यहाँ हम 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे, दूसरी तरफ भी 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क कर लेंगे और जो हमने स्ट्रिप बनाई थी उसे यहाँ पे रख लेंगे दोनों स्ट्रिप को। उसके बाद मैंने यहाँ पे 1.5 इंच की पट्टी ली है। अब इस पट्टी को पूरे आर्म होल और ऊपर की तरफ इस तरह से रख के इस पूरे फैब्रिक में स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब हमें आर्म होल के पास छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। इसके बाद हम इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ स्टिच कर लेंगे पूरे फैब्रिक में। तो देखिए, मैंने इसे स्टिच कर लिया है अंदर की तरफ। अब हम अपने बैक पार्ट को लेंगे। उसके बाद हम अपने स्ट्रिप को 1/2 इंच अंदर की तरफ रखते हुए इस पर रख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस पट्टी लेके इस पूरे फैब्रिक पे आर्म होल और ऊपर की तरफ इसे रख के इसे स्टिच कर लेंगे और उसके बाद इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ स्टिच कर देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे साइड कर लेंगे। उसके बाद हम इसे टॉप में फ्रिल्स लगाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया है और ये दोनों फैब्रिक 2-2 लेयर में है फ्रंट और बैक दोनों के लिए। यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले लेयर की लेंथ रखी है 8 इंच और सेकंड वाले लेयर की लेंथ रखी है 4 इंच और इस दोनों की विड्थ मैंने सेम रखी है जो कि है 27 इंच। अब इन दोनों फैब्रिक में से एक एक लेयर को हम हटा लेंगे और यहाँ पे हमें दोनों फैब्रिक में एक तरफ डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे पूरे फैब्रिक में दोनों लेयर में। तो देखिए, मैंने इसे स्टिच कर लिया है एक तरफ से। अब इस पूरे फैब्रिक में हमें फ्रिल्स दे देना है। ठीक इसी तरह हम सेकंड वाले लेयर में भी फ्रिल्स दे देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे फ्रिल्स दे दिए हैं फर्स्ट और सेकंड लेयर दोनों में। अब हमें सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर रखना है इस तरह से और इसे स्टिच कर लेना है। देखिए, मैंने इसे स्टिच कर लिया है और ठीक इसी तरह मैंने बैक पार्ट को भी तैयार कर लिया है। अब हम अपने टॉप पार्ट को लेंगे और यहाँ पे हम अपने फ्रिल्स को इस तरह से जो सीधा साइड है उसे अंदर की तरफ रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। ठीक इसी तरह हम दूसरे वाले पार्ट में को भी इसे इसमें स्टिच कर लेंगे टॉप पार्ट में। देखिए, मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से सीधा फैला लेंगे और यहाँ पे मैंने ये लेस ली है पतली वाली और इसे इसके सेंटर में इस तरह से रखते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरे तरफ भी इस लेस को अटैच कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे अटैच कर लिया है लेस को दोनों तरफ। अब हम अपने टॉप में फिटिंग देंगे, तो उसके लिए हम टॉप को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम टॉप के दोनों साइड को स्टिच कर लेंगे। देखिए, मैंने इसे स्टिच कर लिया है।
अब हम अपने टॉप को सीधा कर लेंगे और ये हमारा टॉप बनके तैयार है। अब हम अपने प्लाजो को बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 फोल्ड में फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की लेंथ मैंने रखी है 24 इंच। यहाँ पे मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, तो यहाँ पे हम ऊपर की तरफ से 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हमारे प्लाजो की लेंथ है 21 इंच और 1 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने फैब्रिक लिया है फोल्डिंग के लिए। तो अब इन दोनों लाइन को हम स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। और ये हमारा फोल्डेड साइड है और इधर की साइड हमारा ओपन साइड है, तो यहाँ पे हम अपने वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे मार्क करेंगे और क्रॉच एरिया के लिए भी हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को हम स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। और यहाँ से आगे की तरफ हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और इसी निशान के नीचे हम बॉटम के लिए भी निशान लगा लेंगे और यहाँ पे क्रॉच कर दे देंगे और इस लाइन को ऊपर की तरफ कर देंगे और यहाँ से हमने जो बॉटम के लिए मार्क किया था उसे स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। अब इस मार्किंग पे हम लोग कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा लेंगे यहाँ पे और अपने फैब्रिक को खोलेंगे। तो देखिए मैंने इसे अलग कर लिया है। अब हमें इस लेयर पे अपने सेकेंड वाले लेयर को रखना है इस तरह से बराबर मिला के। इसके बाद हम क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे इस तरह से फैलाएंगे और नीचे की तरफ भी हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम अपने बॉटम को इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो दोनों बॉटम को यहाँ पे स्टिच कर लेना है और ऊपर की तरफ हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था उसे डबल फोल्ड करते हुए पूरे वेस्ट में स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पे हम 1 से 1.5 इंच फैब्रिक छोड़ेंगे जिससे हमारा इलास्टिक लगेगा। तो देखिए मैंने बॉटम को स्टिच कर लिया है और ऊपर की तरफ भी इसे फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे मैंने जगह छोड़ी है इलास्टिक लगाने के लिए। तो ये मैंने इलास्टिक ली है जिसकी लेंथ मैंने रखी है 20 इंच। अब इस इलास्टिक को हम अपने प्लाजो में लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पिन की सहायता से इलास्टिक को प्लाजो में लगा लिया है। ये देखिए अब हम दोनों इलास्टिक को इस तरह से लेके एक दूसरे के साथ स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब हमें इलास्टिक को अंदर की तरफ करके इसे भी स्टिच कर लेना है। तो देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है और ये हमारा प्लाजो बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।